चंपावत में 5 साल से बनकर तैयार ब्लड बैंक भवन में ब्लड स्टोरेज करने के लिए उपकरणों को खरीदने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए 32 लाख रुपए 32 लाख के आधुनिक तकनीकी मशीन खरीदने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। सीएचसी चंपावत सीएमएस के अनुसार जनवरी आखिरी तक स्टाफ की ट्रेनिंग के बाद यह ब्लड बैंक शुरू हो जाएगा। हालांकि ब्लड बैंक भवन पहले से ही पुराना हो चुका है, ब्लड स्टोरेज मशीन होने के बावजूद मशीनों को ब्लड रखने की परमिशन न मिलने के चलते मरीजों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। नए आधुनिक उपकरणों के आने से जहां ब्लड स्टोर किया जा सकेगा, वहीं ब्लड मिलने की वजह से असमय जान गंवाने वाले मरीजों घायलों के समय पर ब्लड देकर बचाया जा सकेगा। ब्लड बैंक के उपकरण खरीदने के लिए समुचित बजट आ चुका है और उसमें हमने इसको चिकित्सा जिला चिकित्सालय की चिकित्सा प्रबंधन समिति में इसको रखवा के और वो पास हो गया है और हमारी जो उपकरण खरीद की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है और 15-20 दिन के अंदर ये उपकरण का प्रोक्योरमेंट हो जाएगा और हमारे 2 लैब टेक्नीशियन की भी नियुक्ति जो है ब्लड बैंक के लिए हो चुकी है और उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा पिथौरागढ़, जहाँ पे वो 1 हफ्ते की ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद संभव है कि जनवरी आखिर तक या फरवरी फर्स्ट वीक तक ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरू हो जाएगी। देवभूमि न्यूज के लिए चंपावत से सूरज बोहरा।